हेलो बच्चों, अभी कैसे हैं आप? तो अभी हम देखेंगे 289 का वर्गमूल कितना होता है। तो यहाँ पर आप डिवीजन मेथड यानी भाग दी काम में लेने वाले हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे? यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे, या दो अंक का जोड़ा बन गया, आगे एक अंक की संख्या रहा कितना? दो। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर 2 से बड़ा ना हो। लगाओ दिमाग। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जब हम 1 गुणा 1 लेते हैं, क्या 1 गुणा 1 कितना होता है? 1। एक और इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, फिर इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। 2 में से 1 क्या कितना गया? 1। ऊपर से जो 2 अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब फिर वही बात की, लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या लिखें उसी का गुणा करें कि इससे बड़ा ना हो। तो मैंने लगाया दिमाग कि जैसे मैं 7 लिखता हूँ, 7 का गुणा करता हूँ, 7 × 7 49, 4 के लिए आ गया 7 × 14 और 4 × 18। किसको लिया? 7 को एक बार ऊपर लिख दो, फिर इसको घटाया, 0 आ गया। यह जो वैल्यू कितना? 1 7। यह आपका आंसर है। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।